अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGT 101 के जो रिसेंटली पास पेपर हो रहे हैं उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर MCQs जो आ रहे हैं, ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ ऐसे MCQs आ रहे हैं कि उनकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे आगे पीछे करके लिखी हुई है जो बहुत कन्फ्यूजिंग है, तो हम वो आज की वीडियो पे हम वो MCQs भी देखेंगे और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो करने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पहला हम MCQ से स्टार्ट करते हैं। विच द फॉलोइंग फील्ड हैज बीन टैपेड इन रिसेंट एंट्री ओरिजिनल एंट्री इफ फर्नीचर परचेज 1 लाख पर ऑफिस यूज पर नोट रिकॉर्डेड ना जनरल पर कंसीडरिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ हमें ये पूछा हुआ है कि हमने ओरिजिनल एंट्री अगर डेबिट पास करते हैं, हमने फर्नीचर खरीदा है तो हम लोग क्या पास करेंगे, लेकिन रिकॉर्ड इन अ जर्नल बाय कंसीडरिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमने रिकॉर्ड करनी जर्नल में एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। यहाँ हम थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि यहाँ तक तो एंट्री हो तो बात तो ये है कि फर्नीचर डेबिट हो जाएगा और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ उन्होंने हमें दी हुआ बट रिकॉर्ड इन अ जर्नल बाय कंसीडरिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे एक्सपेंस में आते हैं, तो आपने इस लाइन को इग्नोर कर देना है। ठीक है, इस तरह की आगे कुछ लाइन भी लिखी हो तो इग्नोर करना है। काफ़ी लोगों ने बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए और मोस्टली जो क्वेश्चन है जो कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं वही 4-5 क्वेश्चन रिपीट होकर आए हैं। तो ये जो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, लेकिन आपने फोकस करना है सिर्फ ओरिजिनल डेबिट एंट्री में। तो ये जो ओरिजिनल होता है इससे जब हम परचेज करते हैं तो हमारा फर्नीचर डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड हमारे सेकेंड एंट्री है MCQ से, ओपनिंग बैलेंस 175 एंड क्लोजिंग बैलेंस 500 एंड परचेज डिटरमाइंड अवेलेबल 12,300, फाइंड द परचेज कॉस्ट। अब यहाँ उन्होंने हमें परचेज कॉस्ट नहीं दी हुई, तो हम क्या करते हैं इसमें रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। जब भी हमें परफॉर्मा बना लेते हैं, परफॉर्मा बनाने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको हम जो वैल्यू दी होती है वो पुट कर लेते हैं, बाकी की जो वैल्यू होती है उसकी रिवर्स कैलकुलेशन करके हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि हम अगर ओपनिंग फाइनल अकाउंट में करें तो यहाँ हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास आती हैं नेक्स्ट परचेजेस आती हैं, लेकिन परचेजेस की वैल्यू हमें गिवन ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है जो परचेजेस और हमारे पास ओपनिंग स्टॉक को ऐड करके हमारे पास आती है परचेजेस अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, पहले हमारा ओपनिंग आता है, देन हमारी परचेजिंग, देन हमारे पास परचेजिंग अवेलेबल सेल, और उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो हम जब हमारे पास आपने ओपनिंग स्टॉक की भी वैल्यू पुट कर लेनी है, ठीक है, क्लोजिंग की भी वैल्यू पुट करनी है और अवेलेबल सेल की वैल्यू पुट कर लेनी है, बीच में इन दोनों के बीच में हमारी परचेजेस वैल्यू आनी थी जो हमें गिवन नहीं है, तो हम इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा परचेज की वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपने क्वेश्चन करना है, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू ही है ना जो है वो हमें नहीं मालूम हो रहा, तो उसकी जो माइनस आए कर कराएगा वो हमारे पास आ जाएगा 750123 को माइनस करेंगे तो 12550 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास मोस्टली क्वेश्चन ये वाला भी बहुत रिपीट हो रहा है MCQs में कि टोटल बैलेंस ऑफ अ परचेज डे बुक विल बी पोस्टेड। आपको पता है जो परचेजेस होती हैं वो डेबिट होती हैं, तो डेबिट होती है इट्स मीन कि उसका बैलेंस भी डेबिट ही होता है। तो जब बैलेंस ऑफ डे बुक भी क्या होगा डेबिट, इसी तरीके से सेल का जो बैलेंस होगा वो भी क्रेडिट होगा। ठीक है, वो भी क्रेडिट आपका कंसीडर होता है। उसके बाद है परचेज फर्नीचर फॉर अ बिजनेस यूज फिक्स एज ए ट्रीट एज अ एज। आप देखिए आपने परचेज किया फर्नीचर पे, आपने जो अगर जनरल एंट्रीज पढ़ी होंगी स्टार्ट में बुक में, तो उनमें उन्होंने क्या किया कि परचेज जो हमने की हुई है, जो परचेज बिजनेस पर्पज के लिए की है, उसको एज एक्सपेंस कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, वैसे वो फिक्स एसेट भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास दोनों चॉइस आती हैं, दोनों ऑप्शन ठीक हैं, फिक्स एसेट भी ठीक है, एक्सपेंस भी ठीक है, लेकिन अगर आपके पास चॉइस आती है फिक्स एसेट एक्सपेंस दोनों की चॉइस आती है, देन आपने एक्सपेंस पे करना है, और अगर एक्सपेंस की चॉइस नहीं आती तो देन आपने फिक्स एसेट करना है। अगर इन दोनों की कंबाइन आ जाती है तो आपने एक्सपेंस एंड फिक्स एसेट, यानी कि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में एक्सपेंसेस जो को करना है, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्लूडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द MCQs के लिहाज से भी, बहुत रिपीट हो रहा है, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिहाज से। वो से स्टूडेंट कह रहे हैं कि इन्होंने बीच में कुछ वैल्यू दे दी और वैल्यू देकर कह दिया कि आप इसमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐड करें, तो आपने क्या करना, जो आपका लास्ट चैप्टर है उसमें जो कैश ऑफ
कैश फ्लो बनी हुई है, उसका जो परफॉर्म है उसको लाजमी आपने पढ़ के जाना है, क्योंकि ये चार या पांच चीजें इसमें ऐड होती हैं, तो आपके पास वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्लूड हो जाती है। इसी तरीके से एमसीक्यूज में भी आया कि चार पांच ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सी इंक्लूडेड एक्टिविटी और कौन सी एक्सेप्टेड है, तो चार पांच क्वेश्चन इसके लिहाज से भी हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी, इफ सेल आर 90,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 25,000 ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट। उन्होंने कहा कि 90,000 सेल है, ठीक है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास क्या है, 25,000। सेल में से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। तो और सेल हमारे पास 19,000 में से हमें 25,000 एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर लेस किए तो हमारे पास 65,000 आ गया। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग द एटम ऑफ डेबिट कंट्रोल अकाउंट, अब इसमें से कौन सा आइटम है, नीचे उन्होंने हमें दिया हुआ था जो मैंने यहाँ लिखा नहीं, मेंशन नहीं किया, डेबिट कंट्रोल अकाउंट के क्या क्या कौन कौन से आइटम है, क्रेडिट सेल भी है, ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस भी है, क्रेडिट बैलेंस भी है, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपने एक बार याद रखनी है कि आपको पता हो कौन सी चीज़ डेबिट में आ रही है, कौन सी चीज़ क्रेडिट में भी आ रही है। तो ये जो एम सी क्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी ये क्वेश्चन एक कंट्रोल अकाउंट से आ रहा है, और बहुत ईजी है कंट्रोल अकाउंट बनाना। अगर आपने नहीं की, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कंट्रोल अकाउंट का, तो मेरी एक वीडियो भी पड़ी हुई है आपको मेरे चैनल के अंदर, उसमें कंट्रोल अकाउंट के जस्ट मैंने परफॉर्मा गिवन दिया है, उसके अंदर आप वैल्यू पुट कर लें तो आप आराम से कर सकते हैं, परफॉर्मा को याद कर लें। तो इस तरीके से एम सी क्यूज में पूछा जा रहा है कौन कौन सी वैल्यू है के आ रही है, और ये भी पूछा जा रहा है कि कौन सी वैल्यू डेबिट साइड में थी, कौन सी क्रेडिट साइड में आती है। इसी तरीके से अब इसमें कुछ ऑप्शन दी हुई थी जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की हुई, कि कैश सेल जो डेबिट अकाउंट में क्यों नहीं लिखे, डेबिट अकाउंट कंट्रोल में लिखी नहीं जाती, क्योंकि डेबिट डेटर कैश सेल के अगेंस्ट क्रिएट ही नहीं होता, क्योंकि जो डेटर होता है वो जब हम तक क्रिएट होता है जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, इसलिए कैश सेल जो है हमारे पास क्या कहते हैं इसमें नोट इंक्लूडेड है। उसके बाद हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिट इफ द परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10,000 ऑन क्रेडिट। अगर हमने क्या अकाउंट होगा कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड को क्रेडिट करना, तो सेल अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पहला है मशीनरी ऑफ 4 लाख सोल्ड ऑन क्रेडिट बेस विच वॉज परचेज फॉर रीसेल पर्पज वॉज रॉन्गली डेबिट टू सेंडरी क्रेडिट अकाउंट। मैंने आपको लास्ट वीडियो पे जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करवाया था तो मैंने कहा था जब रॉन्गली डेबिट टू क्रेडिट हो जाए, क्रेडिट टू डेबिट हो जाए, तो हमने उस अमाउंट को डबल कर लेनी है। लेकिन यहाँ आप देखें, यहाँ उन्होंने कहा है डेबिट तो दोनों जगह ठीक किया हुआ है, ठीक है, डेबिट करना था मशीनरी को कर दिया उन्होंने सेंडरी डेटर को, तो इट्स मीन कि डेबिट रॉन्गली डेबिट और क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब इसमें अमाउंट डबल नहीं होगी, डेबिट टू क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट टू डेबिट नहीं हुआ, इसलिए आपने इस बात में कन्फ्यूज नहीं होना। दूसरी बात यह है कि उन्होंने हमने कहा मशीनरी मशीनरी हमारा करेक्ट अकाउंट था वो लिख लिया, सेंडरी डेटर को हाँ क्रेडिटर को क्यों हमने क्रेडिट किया, जब भी हमने कोई इफेक्ट कैंसिल करना होता है, अगर हम हमने डेबिट कर दिया तो हम क्रेडिट कर देंगे उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, अगर हम क्रेडिट में लिख दिया था उसका इफेक्ट हमने कैंसिल करना है तो डेबिट में करेंगे उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो मशीनरी और सेंडरी क्रेडिटर हमारे पास 4 लाख आके। उसके बाद है कंप्यूटर 2 लाख सोल्ड एंड क्रेडिट बेस कंप्यूटर था, सेम एंट्री है सिर्फ अमाउंट चेंज है और थोड़े अकाउंट चेंज है, कंप्यूटर हमारा ठीक था तो हमने 22 लाख का कंप्यूटर लिख लिया, उसके अगेंस्ट हमने सेंडरी क्रेडिटर अकाउंट लिख दिया जो हमने डेबिट साइड पे लिख लिया, तो डेबिट साइड में निकालने के लिए हमें से क्रेडिट साइड पे सेंडरी क्रेडिटर अकाउंट, तो हमारे पास 2 लाख आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रिपीट है जी, परचेज ऑफ अ गुड 1 लाख एंड सेल ऑफ अ गुड 3 लाख पास द एंट्री अंडर द प्रिडिक्टिव एंड परपेचुअल सिस्टम। ये दोनों जो एंट्रीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी रिपीट हो रहा है जो रिसेंटली पेपर में, तो यहाँ उन्होंने 2 एंट्रीज दी हुई हैं, वो कैसे करनी है मैं आपको इस हैंड आउट के क्वेश्चन से ही बताती हूँ कि उसको कैसे करना है। यहाँ उन्होंने हमें पेज 15.7 यानी 15 चैप्टर के 7 एग्जाम्पल्स के अंदर दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक को हम छोड़ देंगे फिलहाल, ठीक है, परचेज 10,000 यूनिट एंड ₹5, सेल 7,000 यूनिट एंड 12, ये दो हम एंट्री भी मैं आपको करके बताऊंगी कैसे करते हैं दोनों मेथड के अंदर। आपने माइंड में रखने परचेज 1,000 यूनिट की हैं 5 और सेल 7 यूनिट की हैं तो 12, और बाकी जितनी भी सारी यूनिट्स हैं ये सारी उसी तरीके से होंगी, बार बार परचेज और सेल हो रही हैं। तो हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। पहली बात है कि हम लोग जो प्रिडिक्टिव मेथड सिस्टम होता है इसमें क्या करते हैं, हम साल में एक दफ़ा प्रिपेयर करते हैं
और परपेचुअल में मतलब एक दफा देखते हैं, पर परपेचुअल में हम ये करते हैं हर एंट्री के साथ हम लोग उसका चेकर बैलेंस रखते हैं। तो इसमें जो है हमने पहले किया परचेज की, परचेज 5,000, कैश 5,000। परचेजिंग एंट्री क्या होती है, परचेज टू कैश वो हमने लिखा, या इन्वेंट्री टू कैश। जो परपेचुअल सिस्टम है वहाँ हम परचेजिंग की वर्ड की जगह इन्वेंट्री यूज करेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास सेल हुई थी, सेल और कैश हमने कर लिया, सेल क्रेडिट होता है कैश आ गया, सेल कहते हैं कैश आ गया हमारे पास, ये अमाउंट आ गई। लेकिन यहाँ हमारे पास एक एंट्री एक्स्ट्रा हुई, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री पास। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री पास एंट्री आपने याद रखनी है, जब भी आपने सेल करनी है उससे आगे ट्रांजेक्शन पे आपने दो एंट्रीज पास करनी है। देखें यहाँ सेल किया तो हमने दो एंट्रीज पास की हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये हमारे पास 310 और 310 कहाँ से आया है। वो इस तरह से आया है, ओपनिंग में आपके पास 400 यूनिट थी और 4 रुपए की थी, परचेजिंग में आपके पास 1,000 थे और 5, तो यानी कि आपके पास 1,400 यूनिट थी ऐसी आपके पास पड़ी, एक 4 रुपए में थी और एक 5 रुपए में थी। तो आपने 700 सेल की, यानी कि 400 ये वाली सेल की, ठीक है, 300 ये वाली सेल की। तो आपने 400 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,600 आ जाएगा, और आपके पास जो है आपके पास बाकी के 3 यूनिट आप यहाँ से लेंगे, 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ आपके पास आएगा 1,500। तो 1,500 को 1,600 में ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3,100। तो इस तरह यहाँ 3,100 आ गया। इस तरीके से आपने याद रखनी है कैसे एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्काउंट 300, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्रेडिट सेल हमारे पास है ये रिसीव बैलेंस, क्रेडिट सेल आप यहाँ ज्यूम कर लें 2,000 ज्यूम कर लें। तो आपने प्रिपेयर करना है डेबिट कंट्रोल अकाउंट। जो डेबिट कंट्रोल अकाउंट की डेबिट साइड पे हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट सेल। ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट सेल आपके पास क्या आ गया, ओपनिंग बैलेंस 20,000, 2 लाख एंड 2,000, यानी 2,02,000 आपके पास डेबिट बैलेंस आ गया। और क्रेडिट बैलेंस में आपकी ये सारी डिस्काउंट और रिसीव बाकी सारी चीज़ें आती है, 300 और 5,000 आपके पास इधर आ गया। तो 5,300 आपने यहाँ लिखना है, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस के लिखकर इनको आपस में बैलेंस कर देना, तो आपके पास कैलकुलेटर डेटर अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फाइंड द प्राइम कॉस्ट। फाइंड द प्राइम कॉस्ट जो होती है जब हम ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर के अंदर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की, तो हमारे पास आती है प्राइम कॉस्ट। उसके बाद है हाउ मैनी स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय द अंडर IAS 1, यानी कि हम लोग क्या स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ के 1 के मुताबिक। हम 5 किस्म की एंट्रीज स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। एक हमारे पास है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक हमारे पास होती है स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल चेंज, ये लिखी हुई है आपकी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रिहेंशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट अकाउंटिंग पॉलिसी। तो आपने क्या करना है, कैश इसके अलावा भी आपने सारी तैयारी करनी है, लेकिन कैश फ्लो को लाजमी पढ़ना है आपने, उसकी जो जितने भी परफॉर्म है वो याद रखना है आपने, लाजमी याद करना है। फाइनल अकाउंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो फाइनल अकाउंट को भी आपने रिव्यू